Hello viewers, how are you? Welcome to my channel Global Fashion of the Year. Please subscribe and like my channel. आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काजल के ड्रेस डिज़ाइनिंग, उनके हेयर स्टाइल, उनके मेकअप का लुक, उनकी स्किन थोड़ी सी डस्की थी लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि उनका मेकअप और जो तैयार होने का स्टाइल है वो उन पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। लाजमी नहीं है कि आप गोरे हों तो आप पे ड्रेसेस अच्छे लगेंगे। आप इस वीडियो से अपने लिए ज्वेलरी के स्टाइल, ड्रेस डिज़ाइनिंग के, हेयर कलर, क्या टोन रख सकते हैं आप अपनी स्किन की, ये सब आइडियाज़ आप इस वीडियो से पिक कर सकती हैं। उनकी स्किन डार्क थी, डस्की थी, तो फिर भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्में दी हमें, मतलब बहुत ही अच्छी फिल्में दी जिसे लोग देख के बहुत मतलब पसंद करते हैं। ये काजल के फैंस के लिए वीडियो है और वो जो इनको पसंद करते हैं वो इनके लुक्स को देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि उनकी बहुत सारी पिक्स कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आऊँ, वीडियो बनाऊँ इस पर। तो आप जो कलर कॉम्बिनेशन है उसका भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैजुअल में कैसे उन्होंने पहना है, फॉर्मल वेयर उन्होंने कैसे पहना है, किन कलर्स का उन्होंने इंतखाब किया है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने येलो का भी इंतखाब किया था, हालांकि उनकी स्किन डार्क है तो येलो भी उन पे सूट कर रहा था। उन्होंने हर कलर पहना है। आप ये नहीं कह सकते कि जिनके कलर डार्क होते हैं, वाइट नहीं होते, तो वो कोई जो है लाइट कलर पहन सकते हैं। आप अच्छे से तैयार होना जब सीख लेते हैं तो फिर आप पे हर कलर अच्छा लगता है। ये जस्ट कमाल होता है आपके मेकअप का, आपकी कलर्स का जो कॉम्बिनेशन आप चूज़ करते हैं, आपके जो ज्वेलरी है उन सब का कमाल होता है, आप हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं, तो इससे आप बहुत सारे आइडियाज़ ले सकती हैं इस वीडियो से। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। उनका हर लुक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, स्कर्ट्स में, साड़ी में, कमीज शलवार में, और जो टीनेज गर्ल्स होती हैं उनके स्टाइल्स जो हैं सब मैं आपके लिए कंबाइन करके लेकर आई हूँ। ये देखिए कर्ली हेयर्स वाला स्टाइल, तो आप भी ये सब अपना सकती हैं, और स्ट्रीट स्टाइल भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने को मिलें। आप वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखा करें, मे बी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लास्ट में अट्रैक्ट करे। आप वीडियो को यकीनन एंजॉय किया होगा। थैंक यू।